आनंद ढोलक का काम तो हो गया, अब हीरा की बारी है। वेल डन पुरुषोत्तम, तुमने बहुत अच्छा काम। हम काफी दूर निकल आए लेकिन प्रिंस बोंगो का कहीं पता नहीं चला। क्या कर रही है? बोंगो, तुम मेरे साथ रहोगे? ओके, आज से हम दोस्त हैं। इन लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि हंसने से हमें तकलीफ होती है। इसी का हमें फायदा उठाना है। इस जगह में कुछ अजीब अजीब लोग थे, और ये जगह मुझे जानना है। इस जगह के बारे में मुझे जानना है। I think तुम्हें किस साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तुम कहने क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं पागल हो गया? You think I've gone mad? आर्यन, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। सच आर्यन, हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही है। और मुझे इस जगह के बारे में जानना है, बहुत जरूरी है। लेकिन जानोगे कैसे? मैं कुछ पता करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? जी आप कौन? मैं यहाँ का वॉचमैन। लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी हम स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ कौन सी पढ़ाई चल रही है? जी हम इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? वो हम लोग ना पास में रहते हैं, सोचा इतनी अच्छी हॉस्पिटल है पर फिर भी पूरी खाली है। ये हॉस्पिटल तो पिछले 3 साल से बंद है, अंदर आते हुए बाहर का बोर्ड नहीं देखा? ये कैसे हो सकता है? मैं लेकिन ये बंद क्यों है? ये मेरे को नहीं मालूम। अच्छा खासा चीज पर झगड़ा करके कोरट का रिसीवर बिठा दिया। चलो निकलो यहाँ। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। Come on guys, let's go. Thank you. Rock, मैं आर्यन, चलो। लेकिन Rock, listen to me. आर्यन, come on. सनी, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं घर में जा रहा हूँ। सनी, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? What is wrong with you? परेशान मत करो मुझे, बताओ क्या बात है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम्हारा खाना रेडी रखा है, खाना खा लेना। Your favorite piece पुलाव, दाल, सब्जी, ऑरेंज जूस और खीर भी है। बस बस बस, मैं बाद में खा लूंगा। प्लीज डोंट बॉदर मी, मैं जाऊँ। As you wish, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं उपासना के घर जा रही हूँ, तुम दादी से खाना लेके खा लेना। ठीक है बाबा, ठीक है। ओके, बाय बाय। बोंगो, बोंगो, डोंट डू इट प्लीज। क्या है ये? कंप्यूटर है। क्या तुम लोग कंप्यूटर को अपने साथ नहीं रखते? डैडी रखते हैं, उनके पास लैपटॉप है। वो क्या है? तुम इतना भी नहीं जानते? ओ हाँ, मैं समझ गया। कैसे? मैंने अपने कंप्यूटर से जाना। तुम हंस क्यों रहे हो? कंप्यूटर कहाँ है तुम्हारा कंप्यूटर? मेरे माइंड में। व्हाट? तुम देखना चाहोगे? यस यस, व्हाई नॉट। क्या? कुछ नहीं। तुम काफी समझदार हो। शिवानी, लगता है कोई आ रहा है। हा? तुम चुप जाओ, जल्दी। ये ठीक है। हाय सनी। आप कैसे हो? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। ए, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
यूज योर कंप्यूटर? क्यों? मुझे अपनी मेल्स चेक करनी है। तुम साइबर कैफे में कर लेना। कमॉन सनी, अब क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर भी यूज नहीं कर सकती? एक्चुअली मैं अपनी रिसर्च पर काम कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो मुझे अपनी रिसर्च दिखाओ ना। अभी नहीं, खत्म होते ही दिखाऊंगा। कमॉन सनी। अच्छा ठीक है, शिवानी कहाँ गई है? वो तो उपासना के घर गई है। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। सनी, अगर शिवानी आए ना तो उसे कह देना कि मैं आर्यन के घर पर मिलूंगा। ओके बाय। बोंगो, बोंगो, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। कौन थी ये? शिवानी की फ्रेंड जानवी। और आर्यन? आर्यन कौन है? वो भी उनका फ्रेंड है। मुझे तुम्हारी दीदी के सभी दोस्तों को देखना है। क्यों? तुम मुझे उन सभी से मिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सनी। जी दादी। बेटा लंच कर लो। आता आप लगा दीजिए। बोंगो तुम बैठो, हम दोनों के लिए खाना ले आता हूँ। ठीक बाय। ओके। आर्यन, लगता है मैं तुम्हारे करीब मरेगा। प्रिंस बोंगो, कहाँ हो तुम? किंग टोंगो को बोंगो का सलाम। खुश रहो, क्या नया घर ढूंढ लिया है? जी, अब नए रूप का इंतजार है। क्योंकि एरेंगो तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। एरेंगो कहाँ है, किस रूप में है? एरेंगो भी इंसानी रूप में है। एक बार वो जेल में हीरा को देखने आया था। हीरा? हाँ, जो रूप पहले मैंने लिया था। और ये घर जहाँ मैं हूँ वो एक प्यारे से दोस्त सनी का है, जिसके सामने मैं अपने असली रूप में आया। उससे मैंने दोस्ती की। अभी कुछ देर पहले सनी की बहन की सहेली यहाँ आई थी। मैंने एरेंगो को रॉक के साथ देखा था, कुछ तय कर पाता, इतने में वो मेरे दायरे से दूर निकल गया। प्रिंस बोंगो, अपना ख्याल रखना। उसे पता चल गया है कि उसकी तलाश शुरू हो गई है। एरेंगो बहुत चालाक है। इंसानों के साथ साथ रहकर उसने अपने पावर को तो बढ़ाया ही है, उनका इस्तेमाल भी किया होगा। वो इंसानों को अपने बस में करने में बड़ा माहिर है। डोंट वरी किंग टोंगो, बहुत सी चीजों में मैं आपकी देखरेख में ही माहिर हुआ हूँ। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। महारानी फोंगो को मेरा प्यार दीजिएगा। बोंगो मेरे बच्चे। अजनबी प्लेनेट के अजनबियों को पेश किया जाए। अजनबी प्लेनेट के अजनबी हाजिर हैं। कुछ पता चला इनसे? एक ही बात, सपाटा से आए हैं और किंग टोंगो की हुकूमत है वहाँ। ये कहाँ है? यहाँ से दूर, बहुत दूर। इन्हें भी पता नहीं कितनी दूर। हमारे प्लैनेट पर क्यों आए, बोलो बोलो, वरना गर्म पानी के तालाब में ठंडा कर देंगे। अगर हमारी बातों को सच न समझा तो सबके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हम दोस्त बनना चाहते हैं। हमें दोस्ती की जरूरत नहीं। तो ठीक है, दुश्मनी ही सही। हंसना बंद करो, हम तुम्हें अपना दोस्त बनाते हैं।
हंसना बंद करो वरना हमारा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। हम सब हंसी सुनकर मर जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम सब ने जो वादा किया है उसे अभी पूरा करो वरना हम फिर हंसेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। हम अपना वादा निभाएंगे और हमेशा तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। हाँ हाँ, हमेशा तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बोंगो, तुम्हें किसी ने देख लिया तो? डोंट वरी, कोई नहीं देख पाएगा। ग्रेट। अच्छा, तुम दीदी के कॉलेज क्यों जाना चाहते हो? बस यूं ही, उनके दोस्तों से मिलना है। अगर दीदी ने मुझे देख लिया तो बहुत डांटेगी। तुम सिर्फ मुझे कॉलेज तक छोड़कर वापस आ सकते हो। तुमने तो प्रॉमिस किया था कि साथ साथ रहेंगे। अच्छा, सॉरी बाबा, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी इमेज चेंज कर लेता हूँ। वो कैसे? मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट की इमेज में आ जाता हूँ, फिर हम साथ साथ रह सकते हैं। वाओ, खूब मजा आएगा। लेकिन जिसकी इमेज में तुम रहोगे अगर वो सामने आ गया तो? वो मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ हाँ। अपना काम हो गया। ये तो मानव है, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लो, ये तो ठीक हो गया। सनी थैंक्स, अब तुम घर जा सकते हो और मैं कॉलेज। और ये मानव? ये अपने घर पहुंच जाएगा। बाय बाय। मानव की इमेज ले लेता हूं, हाँ यही ठीक रहेगा मेरे लिए। क्या हुआ? हो गया। पर क्या? उसका ऐसा इलाज किया है कि अब वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचेगा भी नहीं। अरे यार, कुछ डिटेल में तो बताओ। चिंता मत करो, हमने उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो कॉलेज आ सके। ग्रेट, मतलब महेश वर्मा इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज। वो भी अनपॉल। यस। मतलब तुमने झूठ बोला? अरे नहीं, हमने तो वो पता नहीं ये कैसे। शट अप, शट अप यू इडियट, गेट लॉस्ट। बाद में देखूंगा मैं। हाय गाइस। हाय, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। मुझे मालूम है कि इस बार आप मुझे भी चांस देंगे। क्या यार, ये भी कोई कहने की बात है? मानव को तो आपने ट्राई कर ही लिया है। फिर भी कॉलेज के एनवायरनमेंट को मानव ने चेंज तो कर दिया। Well, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। Hi guys. Hi. क्या बात है मानव? आजकल कैनवसिंग बहुत जोरों शोरों से चल रही है। बस आप जैसे स्टूडेंट्स की मेहरबानी है। But don't be over confident, मानव। इस बार महेश भी well prepared है। कोई बात नहीं, जब आप लोग मेरे साथ हैं तो सब ठीक ही होगा। फिर भी पॉलिटिक्स has its own equation. पर मैं ऐसा नहीं मानता। एक्सक्यूज मी मानव, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है,
हर आदमी का अपना तरीका है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के इलेक्शन के माहौल को खराब कर रहे हैं। All's fair in love and war. मानव, ये प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बट वेयर इज आर्यन? आई मीन मेरा एक वोट नजर नहीं आ रहा। आर्यन डोंट वरी, ही इज विद अस, कम ऑन। ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, अब क्यों बोलती बंद है दोनों की? प्लीज महेश, तुम्हारा यकीन को यार हम शट अप, जस्ट शट अप। तुम लोग तो भरोसे के लायक ही नहीं हो, तुमने झूठ बोला था। अरे यार हम झूठ क्यों बोलेंगे? तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो उसे मारा था और इतना मारा था कि दो दिन तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था वो। लेकिन तुम लोगों ने अगर उसे इतना मारा था तो क्या वो मैजिक से ठीक हो गया? ओके ओके महेश, जो हुआ उसे भूल जाओ, एक मौका और दो, इस बार उसे कोई जादू नहीं बचा पाएगा। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं ये इलेक्शन जीतना चाहता हूं, समझे? बाय हुक और बाय क्रुक। बहुत काम है। एंड यूरेनस। मुझसे डरो नहीं आर्यन, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं। देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, देखो मुझे, देखो आर्यन। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने चला आया। नहीं मिलना मुझे, नहीं मिलना तुमसे। तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे अपने दोस्तों के साथ, क्यों याद नहीं? हॉस्पिटल, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैं अरांगो हूं, सपाटा का फ्यूचर किंग। अगर तुम दोस्त बने रहोगे तो ठीक रहेगा, बस तुम्हें मेरी मदद करते रहना है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हें मुझे क्यों चुना था? हमारा सपाटा प्लेनेट इस ब्रह्मांड का 13वां प्लेनेट है और हम उसी आदमी से काम करवा सकते हैं जो महीने की 13 तारीख को पैदा हुआ हो, और तुम्हारा जन्मदिन भी 13 तारीख को ही है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला, कोई काम नहीं करने वाला मैं। सॉरी आर्यन, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं जैसा चाहूं तुम्हें यूज कर सकता हूं, इसलिए तुम जैसे हो वैसे रहो, मेरे बारे में ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं करूंगा
मैं सबको बताऊंगा, मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा। कौन मानेगा तुम्हारी ये सब बात? Arango, Arango, the future king of Zapata.